स्पीकर महोदय, मैंने आपको करीब 15 कालीन अटेंशन दी है और सारी की सारी जो है महत्वपूर्ण है। आपने मेरे ख्याल एक एक करके पढ़ी भी है, लेकिन मुझे एक में भी आपने ये नहीं बताया कि किस कारण से आपने इनको डिसअलाउड किया है। सभी का बताया, कोई कारण होगा उसका दोबारा बता दूंगा अगर आपको चाहे तो। कारण तो मुझे आपको लिखित में भेज देते हैं। लिखित में भेजोगे तब तक तो आपका सेशन ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आज ही भिजवा देंगे, आप आज ही भेज देंगे उसको। ठीक, मुझे बताओ कि इसका ये रीजन है, इसकी वजह। हाँ, मैं लिखा हुआ है, मैंने पढ़ के सुनाया, लेकिन फिर दोबारा आपके पास भेज देंगे। नहीं नहीं, सिर्फ आपने ये बताया कि हमने इसको डिसअलाउ कर दिया, आपने ये नहीं बताया कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या कोई प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या जो भी हमने और उस पे नामंजूर किए हैं वो नियम चर्चा नहीं कराओगे? कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पे आप चर्चा नहीं कराओगे? आज किसान जो है यूरिया की कमी की वजह से परेशान है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से यूरिया का एडमिट किया है, यूरिया का एडमिट किया हमने। नहीं, आज वो लगाया, चार दिन बाद लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं नहीं, होगा, काला टेंशन लगेगा जी उसके। चार लोगों का आया हुआ, हमने चारों को उसके इलायदा जो है, जो खराब हुई फसल है किसान की, उसके मुआवजे के ऊपर आपको दिया है। हमारे यहाँ जो नरमे और कपास की खेती होती है, आधे से ज्यादा हरियाणा करता है, जो सुंडी की, गुलाबी सुंडी की वजह से जिसकी अब की बार 70-80 हजार रुपए एकड़ की जमीन की खड़ी फसल बर्बाद होगी, उसके ऊपर आपने कह दिया कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, तो किसान कहाँ जाएगा? जिस किसान को एक साल आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, इस प्रदेश की सरकार ने लगातार बॉर्डर पे बैठा करके रखा, एक प्रस्ताव इस सरकार की तरफ से आया था, मुख्यमंत्री सभी में सदन में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे, जब ये कृषि के 3 काले कानून बने थे और हम जब इसका विरोध कर रहे थे, हम इस पर जब चर्चा चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, तो मुख्यमंत्री सभी में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और कहने लगे थे कि इस पर चर्चा करवा लो। उस दिन ये कांग्रेस के साथ ही तो चर्चा करने की बजाय वॉकआउट करके चले गए थे, लेकिन उस प्रस्ताव में आप 2 लाइन लिख करके लाए थे और कहा था सरकार की तरफ से कि जो कानून बनाए गए हैं तीनों, जो इसके पक्ष में है, वो इसके पक्ष में आज अपना मत कर लेगा, जो इसके खिलाफ है वो इस पर चर्चा कर लेगा। और जब उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, जब वो प्रस्ताव लाया गया था और प्रस्ताव जो पास कराया गया था, तो केवल और केवल सत्ता पक्ष के लोग थे जो उसके पक्ष में थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने, उस दिन मुख्यमंत्री ने यहां सदन में एक बात कही थी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये जो कानून बने, ये कानून रद्द नहीं होंगे, ये कानून रहेंगे रहेंगे रहेंगे। 3 बार उसने ठोक के ये बात कही थी, मुख्यमंत्री है नहीं, होते तो मैं पूछता कि जो बात आपने कही थी, इस प्रधानमंत्री ने तो आपसे पूछा नहीं भी, तैने अपनी विधानसभा में क्या कहा था और मुझे आज क्या फैसला लेना पड़ रहा है। आज वो तीनों काले कानून वापिस हो गए। आज किसान जो है, जो लगातार 1 वर्ष से बॉर्डर पे बैठ करके आंदोलन कर रहा था, जिसने केंद्र की सरकार को मजबूर कर दिया और सरकार ने सरेंडर किया उनके आगे और माफी मांगी प्रधानमंत्री ने कि मुझसे कहीं गलती हो गई थी, जिसकी वजह से 1 वर्ष तक किसान को जो है आंदोलन करना पड़ा। मैं मुख्यमंत्री से यह जानना चाह रहा था, मुख्यमंत्री है नहीं तो मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बैठे इनसे पूछना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आप लेकर के आए थे, जो प्रस्ताव आपने यहाँ पे रखा था, जिस प्रस्ताव पे आपने ये कहा था कि कृषि के तीनों काले कानून जो है हम इसके ऊपर मोर लगा रहे हैं कि ये कानून जो कितने रहेंगे, तो आपने प्रस्ताव पास किया था, अब कानून वापिस हो गए, क्या वो प्रस्ताव वापिस लोगे या उस प्रस्ताव को जो करते रखे? प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया उस बात को, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों के हित के लिए मैं कानून लेके आया था, लेकिन राष्ट्र हित में मैं कानूनों को वापस ले रहा, क्योंकि जिस प्रकार का आपने माहौल बनाया दिया था वो देखते राष्ट्र हित में कानून वापस। एक मिनट, आप बात सुन के देख लो दोबारा। एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ इससे, आप ये कहते हो कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं किसान के हक के लिए कानून बना रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं किसानों के हक के लिए कानून बना रहा हूँ, तो फिर उस प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष के बाद वो कानून वापिस क्यों लिए? फिर तो वो कानून जो कितने लागू रहने चाहिए थे। बहुत सारे लोग ऐसे कहा करते थे
कानून कभी वापिस नहीं हुआ करते थे, कहते थे कि कानून में संशोधन हो सकता है। जी खत्म करिए। आज वो लोग कहाँ हैं जो इस तरह की बात कहते थे? आज उन लोगों से पूछो तो फिर एक बारी कि तुम अपनी जवान पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो। आप लोगों ने जब सरेंडर कर लिया तो उस प्रस्ताव को भी आपको वापिस लेना चाहिए। दो लाइन का प्रस्ताव मैं लेकर के आता हूँ कि सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आई थी उस प्रस्ताव को वापिस ले। धन्यवाद मुख्यमंत्री, इस बात के लिए आज फिर माफी मांगे सदन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं गलत प्रस्ताव लेकर के आया था श्री बलबीर सिंह जी, प्रस्ताव को मैं वापिस लेता हूँ। एक मिनट सिर्फ, एक मिनट की बात सुन लिया, पांच मिनट हो गए, एक बात थोड़ी है। आपने सबके लिए समय बराबर है, नहीं नहीं सबके लिए समय बराबर है, मुझे अपनी बात समाप्त करनी थी। नहीं नहीं बात करिए, एक मिनट की बात कहूंगा, समय केवल एक मिनट की बात है। नहीं समय हो गया ना, चार एक मिनट तो सुन ले, क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए आप स्पीकर साहब। सुनो, जो जो आज जो कानून वापस हो गए, जिस तरह से आज ये कहा गया सरकार की तरफ से कि हम मुकदमे वापस लेंगे, अच्छी बात है, मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए क्योंकि उनके गलत फैसले की वजह से मुकदमे दर्ज हुए थे। जहां मुकदमे वापस हो वहां उनको मुआवजा मिले, और मुआवजे के साथ साथ इस सदन के अंदर जो 715 किसान हरियाणा की भूमि पे शहीद हुए उनके लिए स्मारक बनाए जाएं, और उसके साथ साथ उनके नाम भी उन शहीदों की श्रेणी में जोड़े जाएं। धन्यवाद 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 बलबीर सिंह। उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई ठीक फैसला लेंगे। ठीक है।